मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे। क्यों शोर मचा रहा है? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। हाँ, मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था भाई। तूने कोई डरावना सपना देखा होगा, चल सो जा यार। यार रोहन, क्या है बे? यार तेरे स्टेपनी को यार सही कर। अबे क्यों बे? यार समझा कर यार, मेरा टावर खड़ा हो जाता है यार। चल साले सो जा। आज दर्शन नहीं हुए? नहीं यार। अरे अरे भाई, किसके भाई? जिसके इंतजार में तो छुपकर खड़ा होता है। मैं किसी के इंतजार में खड़ा नहीं हुआ था भाई, मैं तो तेरे इंतजार में खड़ा हुआ था। अबे साले, 100 कमीने मरे होंगे जब तू पैदा हुआ होगा। जब प्यार करता है यह क्यों नहीं देता उससे? डर लगता है रोहन भाई, कहीं मना ना कर दे। अबे बोल के तो देख, शायद वो भी तुझसे प्यार करती हो। ऐसा कर, आज तू कॉलेज चल, आज तू भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दे। ये कल क्या हो रहा था? ये मेरे यार, मेरे भी कुछ हो क्या रहा था कल? ये तूने क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजा और ये मेरा दोस्त मोनू। अरे तेरा नाम पूछा, तेरे बाप का नाम नहीं पूछा। कॉलेज में नया है? जी कॉलेज में नया है। रैगिंग तो बनती है भाई। हाँ सुन, किताब ला इधर। अबे ते ना बे, चल इसे सर पे रख। वो सामने वाली दीवार बेटा छू के ना, और चार उठा बैठी लगा। हम नहीं रखेंगे उस्ताद, ये तो बहुत बोलता हूँ, इसकी दूसरी तरीके से लो। नहीं करेगा? नहीं करेंगे। चल बे, किताब रख। हम नहीं रखेंगे। नहीं रखेगा? किताब रख। नहीं रखूंगा मैं। किताब रख। नहीं रखूंगा। अबे रख जल्दी। बोला ना नहीं रखूंगा। तुझसे कहा रखना। नहीं रखूंगा मैं। अबे रख जल्दी, रख। नहीं रखूंगा मैं। उस्ताद इसकी खोल डालो। खोल ना टांग। खोल। नहीं रखूंगा मैं। अबे रख। ये छोड़, ये छोड़ मेरे दोस्त को। अकेला देखकर मेरे दोस्तों को मारता है। शायद तू मुझे जानता नहीं। अच्छे से जानता हूँ तुझे, फेलियर। पिछले 10 सालों से तू फेल हो रहा है और इस कॉलेज में ड्रग्स बेच रहा है। आए दिन पुलिस चौकी के चक्कर भी लगाता है। इतना काफी है या और बताओ?
थैंक्स रॉकी भाई। रॉकी मेरे भाई, अगर आज तूने एंट्री ठीक टाइम पे नहीं ली होती ना, तो आज हम दोनों की इज्जत ताला हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लुट गई होती है। अरे तुम लोग रॉकी के दोस्त, और रॉकी के होते हुए इस कॉलेज में तुमसे कोई चू भी नहीं कर सकता। शालू, शालू क्या हुआ यार, क्या हुआ? कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? जॉनी राजा की रैकिंग कर रहा था यार, बस इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। तुम और वो तुम्हारे दोस्त बस हमेशा लड़ाई करते रहना, और कोई काम तो है नहीं तुम लोगों को। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी, और तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है ना। अच्छा तुम्हारी अहमियत नहीं है, तुम्हें पता है ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू शालू, सॉरी बोला ना यार, प्लीज मान जाओ प्लीज। बोलो आज की बात ऐसे नहीं करोगे? नहीं करूंगा बाबा, कभी नहीं करूंगा, अब तो मान जाओ। ठीक है।
ये हौसला कभी ना छोड़ेंगे हम, मंजिल को ढूंढेंगे जब तक है दम। हिम्मत है मुझ में चट्टानों को भी, हिम्मत है मुझ में चट्टानों को भी तोड़ ही देंगे हम। तो मैंने बोला आई लव यू, तो वो क्या बोली? वो बोली रिश्ते में मैं तेरी बहन लगती हूँ। अपनी जेब से फूल निकालने ही वाला था, फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से राखी निकाल के उसे दे दी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं हो रहा है? शर्म नहीं आती तुम्हें कॉलेज में बातें करते हुए? कौन से क्लास में पढ़ते हो? बीए फर्स्ट ईयर सर। तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? चलो जाओ यहां से, भागो। चुप कर यार, जब देखो यार पढ़ाई पढ़ाई बता, पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है यार? अरे यार बस बता ना यार, बड़ा खामोश उदास ये सब क्या है? क्या हुआ? तुम दोनों का मूड ऑफ लग रहा है? ऐसा लग रहा है किसी लड़की ने इन दोनों की इज्जत टूट ली हो। चुप कर यार। क्या हुआ सोनू? भाई आज तो पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? आज प्रोफेसर रोसा ने इनकी ले ली और उसने इनकी तोल तोल के बेइज्जती की है। यार इस प्रोफेसर की प्रॉब्लम क्या है? कल मैं शालू के साथ बैठा था, पता नहीं कहां से आ गया। हाय शालू। हाय अरुण। बाकी सारे लोग कहाँ हैं? शायद कैंटीन में होंगे। यार तेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? हाँ, हो मेरा गया। तो हुआ ही नहीं यार, बहुत टेंशन। चल मैं तेरा एग्जाम भी आने वाला है, तो पलट देख। तो क्या करूँ, तुम सबको तो पता नहीं, टेंशन ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? हेलो सर। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? वो सर हम लोग बात कर रहे थे। बातें कर रहे हो या इश्क लड़ा रहे हो? ये क्या कह रहे हैं सर, ये तो मेरी दोस्त है। उससे जवान लड़ाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर से जमान लड़ाते हुए? सॉरी बोलो। मगर किस बात के लिए? मैंने कहा सॉरी बोलो। पर सर हमारी गलती क्या है? मैं तुम्हारे कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर हूँ, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें एक मिनट में इस कॉलेज से बाहर निकाल सकता हूँ। मैंने कहा सॉरी बोलो। सॉरी सर। सॉरी। चलो जाओ। क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, हमें मजबूरी में सॉरी बोलना पड़ा। मगर प्रोफेसर रोसा ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं, प्रोफेसर सर किसी को नहीं छोड़ते, लड़का हो या लड़की हर किसी की बेइज्जती कर देते हैं। उन्हें बहुत फक्र है अपने सीनियर होने पे। हाँ भाई, मैंने सुना है वो अपने स्टाफ पे भी रौब झाड़ता है। मुझे लगता है इस प्रोफेसर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो। अब ये गर्ल्स टॉयलेट बन गया बॉयज टॉयलेट। यस, अब आएगा मजा। यस। नहीं सर, ये लेडीज टॉयलेट है। मैं कह रहा हूँ जेंट्स है। नहीं सर, ये लेडीज टॉयलेट है। ये जेंट्स टॉयलेट है।
सर ये गर्ल्स टॉयलेट है, आप देख लीजिए। जेंट्स नॉनसेंस। प्रोफेसर तुम्हारी क्लास में आया है तो उठकर गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। सर कॉलेज में माँ बाप नहीं, टीचर या आप जैसे सीनियर प्रोफेसर सिखाते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब साफ है, जो टीचर या प्रोफेसर बच्चे को सिखाएगा वही तो बच्चा सीखेगा। अच्छा इसका मतलब MS रोसा को तमीज नहीं है, रोसा ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हाँ सर आपने हमें सिखाई कब है? सर अगर आप हमें सिखाते तो हमें तमीज होता कि किससे किस तरीके से बात करनी है। शट अप, अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं तुम्हारा सीनियर प्रोफेसर हूँ। शायद आपको मालूम नहीं, आपसे सीनियर तो कॉलेज का चौकीदार है। सर आपसे ज्यादा तमीज से बात तो कैंटीन का चाय वाला करता है। जिस प्रोफेसर को ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट से कैसे बात की जाती है उसे हम प्रोफेसर नहीं मानते। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुमने प्रोफेसर रोसा की बेइज्जती की है। नहीं सर हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, आप ही हम स्टूडेंट की बेइज्जती करते फिरते हैं। सर कल आपने हमारी इज्जत लूटी थी, आज आपकी लूट गई। सर हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करने का नहीं था। आज तुमने रोसा की बेइज्जती की है, उसके गुस्से को ललकारा है, ये तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा।
मैं बात करूं? अबे पहले तू अपनी तो बात कर ले। नहीं यार, प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी पर थोपी नहीं जाती है। प्यार तो वो है जो इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मुझे लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। चलो सालों को अकेले में घेरते हैं कहीं। इन्हें तो सबक मैं अकेला ही सिखाऊं। तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुझे समझाने की जरूरत नहीं। कराता है यार। अरे देखना यार भाई, चलना। ये क्या है? पिस्तौल है। वो तो मैं भी देख रहा हूं, मगर किस लिए? अबे जंगल का रास्ता है, कहीं जरूरत पड़ गई तो। अरे बाबा, हम घूमने जा रहे हैं, किसी से झगड़ा करने तो नहीं जा रहे? जब वक्त पड़ेगा तब बताऊंगा। अब चल। अबे ड्राइवर, गाड़ी तो टाइम पे लाता, कब से खड़ा तेरा वेट कर रहा हूं। अबे तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? जा चुपके से बैठ जा। मेरा बाप तेरे जैसे नौकर रखेगा नहीं। अबे क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि मेरा बाप है ही नहीं। यार कितनी देर कर दी, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? यार सोनिया फोन करके पता लगा कहाँ पहुँचे वो लोग। ठीक है करती हूँ। अबे ये तो अभी भी पीछा कर रहा है। अरे भगाना भाई। सब लोग होशियार होकर बैठ जाओ।
चल भाई रोहन कहीं खाना खाते हैं। छोटू मेरे लिए एक लस्सी लेके आ। मेरे लिए एक दाल मखनी लेके आ। मेरे लिए समोसे और चाय। मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी। कब तक ऐसे ही देखेगी मैडम? इसका ऐसे ही चलेगा यार। क्यों? इसके बस की बात ही नहीं है यार। तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो या मेरी मजाक बना रहे हो? तू अपने दिल की बात रोहन से कह क्यों नहीं देती? मौका तो आने दे, बता दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कोई और मौका मार ले। और कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है? कुछ नहीं यार, माँ बाप चाहते हैं मैं उनका खानदानी बिजनेस संभालूं। क्या बिजनेस है? अबे ये सांडे का तेल बनाता है, तुझे क्या करना। अबे भाई शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर लिया कर। बेटे शक्ल तो मेरी माशाल्लाह है। हेलो तू तक नहीं चल सकता? धक्का कैसे दिया तूने मुझे? तूने लिया क्यों भाई? जानता नहीं है तू मुझे? तू मुझे नहीं जानता, भाग यहाँ से। तू चल निकल यहाँ से। बदमाश कहाँ से चले जाते हैं? क्या हुआ मोनू? साला बदमाशी दिखा रहा था मुझे। तूने क्या कहा भाई? समझा दिया साले को हिंदी में। भाई तू क्या समझाएगा उसको, वो तुझे समझा गया हिंदी में। तू कहे तो दोबारा समझाऊं? अरे रहने दे भाई, तेरा गुस्सा खराब है, खामखा फिट जाएगा तू। दोबारा जाके समझाता हूँ, देख तू अभी। जा जा। अरे मेरे भाई तू रुक, तेरा ये काम मैं करता हूँ ना। अभी वो मुझे जानता नहीं है, मैं अपने दोस्तों के लिए जान पे खेल जाऊंगा। और हाँ तू खासकर रोकी तू सुन, कुछ भी हो जाए मेरे बीच में मत आना, लंबाई चौड़ाई से कुछ नहीं होता, जिगरा चाहिए जिगरा। समझा कि नहीं? तू देख अभी मैं कैसे धोता हूँ। तू रुक मैं अभी आता हूँ। अबे कौन शाना है जो मेरे दोस्त को मारा है? तूने मारा मेरे दोस्त को? साले तू मुझे अभी जानता नहीं है मोटे गेंडे। भाई 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 ए शटर डाल। भाई अबे आओ ना सालो। अरे नहीं 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 भाई 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 नहीं ना 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 नहीं नहीं भाई भाई सॉरी सॉरी भाई ना ना ना। चल निकल यहाँ से, साले दोबारा आया ना तो जान से मार दूंगा। अबे तूने ही तो मना किया था कोई पीछा। सालो तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो ये साले दुश्मन पालने की कोई जरूरत नहीं। अबे बेटा हमें तुझ पे पूरा भरोसा था। इस बात का भरोसा साले? तू पिट गया। एक बात तेरी, कभी अकेले बंदे देखकर बीच में हीरो बनने मत जाइयो, लेटा लेटा के गिरा गिरा के मारते हैं। चलो भाइयों फटाफट खाना खा लो और इस टूटे फूटे सामान को गाड़ी में डालो। सालो कमीनो हंसो तुम लोग, तुम जैसे शोर हो तो मुझे दुश्मन पालने की कोई जरूरत नहीं। मां मर गया रे।
तेरा मोबाइल, तू मेरी सिम कार्ड, आ लगा कर देख लू क्या होता है रिचार्ज। मैं तेरा मोबाइल, तू मेरी सिम कार्ड, आ लगा कर देख लू क्या होता है रिचार्ज। अरे घंटे दो घंटे करनी है बातें आज, अरे घंटे दो घंटे करनी है बातें आज, अरे घंटे दो घंटे करनी है बातें आज। मैं तेरा मोबाइल, तू मेरी सिम कार्ड, आ लगा कर देख लूं क्या होता है रिचार्ज। पानी दे देते, चले आजा पानी दे देते। अबे गाड़ी में ही कर, शर्म नहीं आती है तुझे लड़कियों के सामने मुंह उतरा है? आगे चला जा आगे, साले लड़कियां लड़कियां। हट, I'm hot sometimes.
वाला है ना? हाँ यार, हाँ है ना? हाँ हाँ अरुण, अरुण ये तो वही बाइक वाला है ना? ओ तेरी, ये साला फिर से आ गया। अरुण, अरुण ये वही है, रॉकी। तो साले कान से हेडफोन निकाल, साले तुझे दूर जाने के लिए कहा था, इतना नहीं कमी ना, पीछे देख पीछे। और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हो सकता है हमारा कोई दुश्मन हो। हरामजादा हमें फॉलो कर रहा था। हमारा ही कोई दोस्त हो सकता है जो भी डराने की कोशिश कर रहा हो। हमारा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। किसी को क्या पड़ी है, कौन हमारा पीछा करेगा? ऐसा करते हैं, साले को पकड़ के पीटते हैं। पागलों जैसी बातें मत करो यार। तूने देखा नहीं, उसके पास हथियार था। चल साले को पकड़ते हैं। रुक, हम किसी के पीछे क्यों जाएं? हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम लोग घूमने निकले हैं यार, हमें किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ के पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। रोहन सही कह रहा है, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो ठीक है। रॉकी भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। यार हम किसी से डर के अपना टूर नहीं खराब कर सकते। यार रॉकी, राजा सही कह रहा है, हमें घर वापस चलना चाहिए। क्या फट्टू, फट गई क्या? हम इतने कमजोर नहीं जो किसी से डरकर अपनी राह बदल लें। अगर वो अब हमारा पीछा करेगा तो हम सब भागेंगे नहीं, उसका मुकाबला करेंगे। अरे चिल करो यार, मस्ती करो, चलो चलते हैं। चलो यार। चलो भाई चलो। जय हिंद सर। अरे सर, हम स्टूडेंट्स हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता? सर एक बाइकर है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके हाथ में चाकू है और उसने हम पे हमला किया। हमला यानी कत्ल की कोशिश। चौकी में चौकीदार नहीं, थाने में थानेदार नहीं, बेटा राम सिंह अगर वो हमलावर यहाँ आ गया तो क्या होगा? अगर उसने इनको छोड़कर तुझ पे हमला कर दिया तो अपनी जान बचा। अरे इन्हें क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे सर आप ही ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? पहले मैं तो सुरक्षित हो जाऊँ तभी तो तुम्हें सुरक्षा दूंगा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बीवी का इकलौता पति हूँ। सर हमने सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भाई कानून के हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो कानून ही 4 फुट का है। चार फुट का, ये बीज वाला बहुत बोल लिया। अब क्या करें यार? यार रात होने वाली है और रात में सफर करना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि आसपास कोई होटल हो वहीं रुकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ आसपास में कोई होटल या गेस्ट हाउस है? यहाँ 50 किलोमीटर दूर तक ना कोई रेस्टोरेंट है ना कोई होटल है। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज रात हम यहाँ चौकी में गुजार सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई आ जाओ, मजा आ गया, चलो चलो। सर आप तो बाहर आ जाइए, अब तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
कहीं आ तो नहीं गया ससुरा, कहीं छुप कर बैठा हो यहीं। कोई बात नहीं, अब तो सर ओखली के अंदर ही है। क्या हुआ यार भाई, इतना उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं भाई, सोच रहा हूँ यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। भाई दूसरी गर्लफ्रेंड देखकर हैरान ना हो, भगवान तुझे भी देगा, टेंशन मत ले यार। बेटा मोनू, प्यार ना नसीब से मिलता है, जैसे मुझे मिला है। भाई 5 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और ना ही मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बेटा जरा सोच, जो मुझ जैसे स्मार्ट, होनहार और इंटेलिजेंट ग्रेट पर्सनैलिटी यूनिक मैन को जब गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो तुझ जैसे वो कहाँ मिलेगी बे? क्यों भाई, मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या? भाई तू कॉलेज में ना सबसे स्मार्ट है। ये प्यार होता क्या यार, मुझे कोई बताएगा? प्यार वो चीज है ना बेटा, बस। बस क्या? प्यार पे तो हजारों पेज लिखे जा सकते। अरुण तू एक काम कर, तू सिर्फ एक पेज लिखकर दिखा दे। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। भाई प्यार क्या है आप ही बताओ। प्यार के बारे में तो सिर्फ बाबा रोहन ही बता सकते हैं, क्योंकि मुझसे बेहतर प्यार को इन्होंने ही समझा। ये बाबा रोहन को कौन से जन्म में प्यार हुआ था? अबे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब। प्यार तो कुदरत का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है, जिसे हो जाए उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। प्यार में रातों की नींदें और दिन का करार हो जाता है, मगर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें प्यार की परिभाषा तक नहीं आती। प्यार को खिलवाड़ बनाकर रख दिया है, जब तक दी चाहे खेले और जब दिल भर गया तो छोड़कर चले गए। वो भी इसलिए कि सामने वाला आपके प्यार से कहीं ज्यादा अमीर है। लोगों ने तो प्यार का सौदा ही कर डाला। इसी बात पे कुछ सुना दे यार। भाई आज प्यार पे कुछ लाइनें हो जाए। हाँ भाई आज कुछ हो जाए। हाँ भाई सुना देना कुछ, बहुत दिन हुए कुछ अच्छा सुने हुए। यार कई साल पहले रोहन की जिंदगी में सोनाली नाम की एक लड़की थी, जिससे रोहन बहुत प्यार करता था, लेकिन वो सिर्फ उससे प्यार का नाटक। यार मैं कुछ समझी नहीं। यार इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती थी और रोहन उसे दिलो जान से चाहता था। कई साल पहले हमारे कॉलेज में एक बड़े बाप का बेटा पढ़ता था, उसकी चमक दमक देखकर सोनाली उसके साथ चली गई और रोहन का प्यार भरा दिल तोड़ दी। ऐसा नहीं है कि रोहन गरीब है, लेकिन उसके जितना अमीर नहीं। चलो भाई गाड़ी तैयार है। हां वेट आए एक मिनट। तुम लोग गाड़ी में बैठो, हम जरा होटल में कमरे पता करके आते। हेलो सर। नमस्ते सर। बोलिए सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? हमें आपके रिजॉर्ट में कमरे चाहिए। सॉरी सर, सीजन का टाइम है, कमरे सारे फुल है। आपके पास कोई जुगाड़ तो होगा? सर पूरे नैनीताल में किसी भी होटल में किसी भी रिसोर्ट में कोई जगह नहीं मिलेगी। फंस गए यार। अब क्या होगा?
सर मेरे पास एक जुगाड़ है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, नैनीताल से 40 किलोमीटर दूर एक रिसॉर्ट है, सावलो का है, जहाँ मेरी फैमिली रहती है, मेरे पास है। अगर आप कहें तो मैं आपका वहाँ जुगाड़ लगा सकता हूँ। वहाँ से चाइना दीवार भी दिखाई देती है सर। क्या चाइना की दीवार भी दिखाई देगी? सर दूरबीन से मेरा बेटा वहाँ मिलेगा, ये रहा सर कार्ड, आप उससे जाके मिलना। मजा आ गया यार, थैंक यू सर। ओके सर। कोई है? बहादुर, बहादुर, बहादुर जी साहब। अबे तुम बहादुर हो क्या? जी साहब मैं बहुत बहादुर हूँ। कितने बहादुर हो? बहुत बहादुर हूँ, मेरे पिताजी ने भेजा है। हाँ तुम्हारे पिताजी ने भेजा है हमें। आइए मैं आप लोगों को कमरा दिखाता हूँ। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोठी हमारे शाप की है, जो कि दिल्ली में रहते हैं वो महीने में सिर्फ एक बार आते हैं, 10 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए कोठी चमका के रखनी पड़ती है। उनके किसी सामान को नहीं छूना, ना गाड़ी को, ना बाइक को, ना कुत्तों को। आप यहाँ सिर्फ रह सकते हो जितने दिन चाहो। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ, दुख या दर्द हो तो मुझसे मत कहना, मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, 4 दिन बाद लौटूंगा। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम। रोहन भाई। बोल भाई। मामला ये है कि कमरे हैं कम। हुँ? तो एक काम करते हैं, एक रूम में दो दो लोग हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, लड़कियों को एक रूम में शिफ्ट करते हैं। अबे पागल हो गया है, इतनी दूर गर्लफ्रेंड के साथ आने का मौका मिला है और तू? भाई मैं तो बस अपनी वाली के साथ रहूंगा। तो कमरा किसके लिए चाहिए? अरे सानिया मैडम के लिए यार। तो ऐसा करते हैं, सानिया मैडम को रोहन ये कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अभी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मगर भाई कमरे भी तो होने चाहिए ना। तो सानिया मैडम मेरे ही कमरे में शिफ्ट करने को मिली थी तुम्हें? तुझे ना सोनिया मैडम के साथ ही रहना पड़ेगा। आप सबने तो अपना अपना रूम देख लिया, मैं क्या सोफे पर सोऊंगा? नहीं रोकी भाई, मैं तो अरुण के साथ उसका रूम शेयर करूंगा। अबे तेरे साथ कौन कमरा शेयर करेगा, साला पूरी रात भर हाथ की कारीगरी करता है। भाई तू भी तो हाथ का कारीगर है। अबे एक दूसरे की इज्जत लूटते रहोगे या अपना अपना कमरा भी देखोगे? अच्छा भाई मैं तो चला, अब तुम देख लो कौन किसके रूम में रहने वाला है। ठीक है भाई, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू संभाल, और मैं तो चला अपनी वाली के साथ। अरे रुकना राजा। आप ऐसे कब तक परेशान होंगे, लेट जाइए। आप आराम से लेटिए, मैं वहां नीचे लेट जाता हूँ।
राजा, राजा क्या हुआ? कुछ बताओगी भी यार? वो देखो वहां तो कोई भी नहीं है। मैंने देखा वहां कोई नहीं है। वहां पर भाई नहीं, वहां था। तुम्हारा बहम होगा, कोई नहीं है यहाँ पर। आ जाओ। अबे क्या मस्त जगह है यार, कम से कम 8 दिन तो रुकेंगे यहाँ। मेरा तो मन करता है मैं यहीं रुक जाऊँ। अबे आके यहाँ झक मारेगा क्या? मतलब? मतलब ये कि काश हम दोनों को एक गर्लफ्रेंड मिल जाती। अच्छा है यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नो गर्लफ्रेंड, नो टेंशन। अबे तुझे नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए। अरे भाई जब मिलनी होगी मिलेगी, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? क्या पता कितना गहरा होगा। अबे मैं यहाँ नहीं, घर जा रहा हूँ। रॉकी, तेरी सब चादर। रॉकी, रॉकी नहीं, रॉकी, आ, रॉकी, रॉकी नहीं, रॉकी। आ जाना प्लीज यार। नहीं नहीं, नहीं रॉकी, तुम पागल हो गए हो क्या? रॉकी नहीं, रॉकी, 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 आ, कि नहा लेने दो ना मुझे। अरे नहा लेना, पहले कुछ घर तो लेने दो। तुम पूरे पागल हो गए हो क्या? पागल ही तुम, तुम्हारे प्यार। अच्छा आज ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो। ये जगह है ही ऐसी। अच्छा भला साधु संत इंसान भी यहाँ आके रोमांटिक हो जाता है। छोड़ो ना यार, नहा लेने दो मुझे। अरे किस तो कर लेने दो यार। छोड़ो ना रॉकी। रात क्या सर्दी थी यार। हाँ यार सही कह रहा है, लेकिन कुछ भी कह यार पूरी रात मजा आ गया। यार पंडित जी आप तो अकेले भी मजा कर लेते हो। तू कहना क्या चाह रहा है भाई? मुझे लगता है आप हाथ के कारीगर हो। शट अप यार। ये तो वही है भाई जो हमारा पीछा कर रहा था। चलो यहाँ से निकलते हैं और सबको बताते हैं। चल भाग। अरे तुम्हारे पीछे पड़ गया, चल भाग और तेज। भाग राहुल, भाग, भाग राहुल, भाग, चल भाग। ओह माय गॉड, छोड़ दे मेरे दोस्त को।
हुआ पंडित को? पंडित को बाइक वाले ने मार दिया। क्या? बाइक वाले ने मार दिया? क्या बकवास कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ यार। ओ माई गॉड, वो यहाँ तक पहुँच गया। क्या किया उसने राहुल पंडित के साथ? उसने मेरे सामने राहुल को कुल्हाड़ी से काट दिया। जान से मार दूंगा साले को। चलो ए, रुको, क्या यहाँ लड़कियाँ अकेली रहेंगी? हाँ, यहाँ लड़कियाँ अकेले कैसे रहेंगी? हम में से यहाँ किसी न किसी एक को रुकना ही पड़ेगा यहाँ। मगर अरुण, एक काम कर, तू लड़कियों के साथ रुकेगा। नहीं भाई, मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। देख भाई, राहुल को हमारी सख्त जरूरत, तुझे यहाँ लड़कियों के पास रुकना ही पड़ेगा। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, तुझे लड़कियों के पास रुकना ही पड़ेगा। हम जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ राहुल को? कुछ नहीं, वो चलो तुम लोग अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। वहां भाई, वहां पर होटल। कहां पे था राहुल? यहीं था भाई। इसका मतलब है वो यही कहीं छुपा होगा। देखो देखो, ये खून का निशान। इसकी मां का। रोकी रुको, अकेले जाना ठीक नहीं होगा जंगल में। हम सब मिलकर ढूंढेंगे राहुल को। आओ चलो। ठीक है। राहुल, 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 राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल, 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 राहुल भाई, राहुल, 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 राहुल का कुछ पता चला? भाई कहीं नहीं मिला, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दिया वो। हमें रिसोर्ट वापस चलना चाहिए और जल्द से जल्द जाके पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं भी फोन लगाता हूँ। अरे रुकना यार,
हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ये दोनों मजाक कर रहे हो। भाई उसने मेरे सामने राहुल को गुलाने से मारा है। भाई मैं तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे फोन नहीं लग रहा यार। अरुण यार, पंडित का कुछ पता नहीं चला। अरुण 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 क्या हो गया? अरुण ये क्या हुआ? अरुण 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 आ गए। राहुल का है? राहुल का कुछ पता नहीं चला यार। कहाँ है अरुण? मैंने उन्हें बचा लिया, वो अंदर। ये सब कैसे हो गया? उसने मुझे धोखे से। अरुण 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 अरुण, मैंने बोला था उसने राहुल को मार दिया और अब इसको भी मार दिया, वो हम सबको मार देगा। अरुण ने हम सबकी जान बचाई, अगर अरुण नहीं होता हम सब नहीं बच पाते। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो नैनीताल पुलिस, हेलो हेलो नैनीताल पुलिस, हेलो, यहाँ हमारे एक दोस्त का मर्डर हो गया, हमें आपकी मदद चाहिए सर। यार फोन भी नहीं लग रहा। संगीता कहाँ है? संगीता 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 यार मैं बहुत अंदर तक गया लेकिन संगीता का कुछ पता नहीं चला। अब क्या होगा? अब वो हमारी संगीता को ही मार देगा। अरे चुप हो जाए यार, मुझे कुछ सोचने दे। मैं कह रहा हूँ यार वो हमारी संगीता को ही मार देगा। मैंने कहा चुप हो जाए यार। मैंने तुझे कहा था ना कि घर वापस लौट चलते, मगर तू नहीं माना। तुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? भाई ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही तो लेकर आया था हमें इस जंगल में। और जो लोग मरे वो सब मेरी वजह से मरे। ये बात सही है, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। राजा
तुझे भी यही लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुझे ये सब पहले से मालूम था कि ये सब होने वाला है, इसलिए तू पूरी तैयारी से आया है। ये तो मैं हम सबकी सेफ्टी के लिए लेकर आया। ये तू हम सबकी सेफ्टी के लिए नहीं, अपने एडवेंचर के लिए लाया था। राजा, ये तू क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूँ मैं? भाई छोड़ो ना भाई, संगीत छोड़ो भाई, इस जिंदगी में है रोकी भाई, कर उसे कुछ हो गया भाई, छोड़ो छोड़ो, मैं तुझे चार छोड़ो भाई, छोड़ो रोकी भाई, छोड़ो छोड़ो। ए राजा, रोकी क्या मतलब लीजिए, ये तू देखना क्या बकवास कर रहा है ये, बस कोई नहीं बोलेगा, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। ये कब हुआ? आज सुबह। लड़की कब से गायब है? दोपहर के टाइम से। इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? सर, यहाँ से बहुत फोन लगाने की कोशिश की पर यहाँ से फोन ही नहीं लगता। यहाँ नेटवर्क नहीं आता, ये बहुत आउट एरिया है। इस वारदात के बारे में मुझे मालूम नहीं था, मगर बस इतना मालूम था कि किसी को हमारी मदद चाहिए। सर, कैसे भी करके मेरी संगीता को ढूंढ लाएंगे, प्लीज सर। देखो, ये जंगल बहुत बड़ा है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे सपोर्ट चाहिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक पुलिस चौकी है, वहाँ से मुझे खबर भेजनी होगी, कुछ पुलिस वाले आएंगे तभी मैं लड़की को ढूंढ पाऊंगा। सर, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम 4-5 लोग हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं ना सर। ए, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, यहाँ मर्डर हुआ है और एक लड़की भी गायब है, कोई नहीं जानता इस जंगल में क्या चल रहा है। और हाँ, तुम लोगों में से कोई भी अकेला जंगल नहीं जाएगा, जब तक मैं पूरी फोर्स लेकर नहीं आ जाता सब लोग रिसोर्ट में रहेंगे, कोई भी अकेला जंगल नहीं जाएगा, समझे? सब मेरी वजह से हुआ है, अगर ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है तो मैं ही इसे सॉल्व करूंगा, कहीं से भी लाऊं मैं संगीता को खोज कर लाऊंगा। रॉकी भाई, राजा अपने कमरे में नहीं, पता नहीं कहां चला गया भाई। कहां चला गया होगा, यही होगा कमरे में, तू अंदर जाके देख। मैंने सब जगह देख लिया भाई। ओह माय गॉड, कहीं वो संगीता को ढूंढने अकेला तो नहीं चला गया? अब क्या होगा भाई? तू मेरी बात ध्यान से सुन, हम राजा को ढूंढने जाते हैं और हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और तू एक काम और करना, तू सबको गाड़ी में लेकर इस जंगल से बाहर निकल। और तुम लोग? हम लोग राजा को ढूंढने के बाद चेक पोस्ट पे मिलते हैं, जहां इंस्पेक्टर गया है। याद रखना, यहां से 20 किलोमीटर दूर रास्ता मत भूल जाना, नहीं तो इस जंगल से कभी नहीं निकल पाएगा। चल रोहन।
नहीं संगीता, संगीता नहीं संगीता, संगीता तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती संगीता, नहीं संगीता, संगीता, संगीता। हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं यार, और तू यहाँ खड़ा हुआ है। हम संगीता को मिलके ढूंढ लेंगे यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे गलती हो गई, माफ कर देना भाई। राजा 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 राजा, 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 राजा। ये क्या हुआ मेरे भाई राजा, ए राजा रो, ए रो, क्या हो गया यार? राजा मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। उठ जा भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे राजा, प्लीज यार मुझे माफ कर, राजा माफ कर देना यार अपनी को, राजा माफ कर देना भाई, माफ कर देना भाई। कौन है तू साले, बाहर निकल साले मेरे दोस्त को मारा। क्यों मारा तूने हमारे दोस्तों को? तू ऐसा नहीं मानेगा,
चल पुलिस स्टेशन। नहीं पुलिस नहीं, जाओ मुझे। अब तू पुलिस के सामने ही कबूल करेगा? नहीं। क्यों मारा तूने मेरे दोस्तों को? मैंने नहीं मारा किसी को। तूने नहीं मारा तो किसने मारा बता ज्वाले। मुझे क्या पता यार क्या हुआ। अरे हो जा स्टार्ट हो जा। क्या हुआ मोनू? पता नहीं क्या हुआ। जा उतर के देख इसे। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ यार। मैं देखता हूं। स्टार्ट कर दू। सोनू भाग। क्या सोनू भाग? सोनू सोनू भाग। सोनू सोनू भाग। गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये लोग अभी जंगल से बाहर नहीं निकले। गाड़ी में तो कोई नहीं है। जब गाड़ी यहाँ है तो वो सब लोग यही कहीं होंगे। सोनू 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 सोनू
सानू कहाँ है? सोनू, सोनू। Oh my my God, ये तो मर चुका है। सानू, सानू। आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम सबको मार दूंगा। मगर क्यों सर? क्योंकि तुमने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मेरा 40 साल का कैरियर मिट्टी में मिला दिया। उच्चे से प्रोफेसर के आगे स्टूडेंट की पैंट गीली हो जाती थी, उनके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं तुम सबको मार डालूंगा। सर आपकी बेइज्जती तो हमने की थी, फिर जॉनी ने हमारे दोस्त को क्यों मारा? मुझे मालूम था तुमने जॉनी को कुत्ते की तरह मारा है। मैंने उसको अपने साथ मिला दिया और तुम पे नजर रखने को कहा। मुझे जब पता चला कि तुम लोग घूमने जा रहे हो, मैंने उसको तुम्हारे पीछे लगा दिया। वो तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था, मारना तो मैं चाहता था। फिर जॉनी तुम्हारे पीछे साये की तरह लग गया और वो तुम्हारे दोस्तों को बार बार डराने लगा। जब उसने पहली बार राहुल पंडित पे वार किया तो वो मरा नहीं, सिर्फ जख्मी हो गया। जब वो तुम्हारे दोस्त पंडित को जख्मी हालत में मेरे पास लाया तो मैंने उससे कहा कि इसको जान से मार दे, मगर जॉनी ने मना कर दिया मारने से। मैंने कहा अगर तूने इसको जान से नहीं मारा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको मैंने डराया और वो डर गया। जब तुम्हारे दोस्त पंडित को मारा, साले की पेंट गीली हो गई। हमने जब राजा की गर्लफ्रेंड मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मुझे जाना है।
बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और जब राजा ने वहां आकर देखा तो अपना आपा खो बैठा और राजा जूनी पे टूट पड़ा। सबको मार दूंगा। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे पहले कौन मरना चाहेगा? बोलो, कौन मरना चाहेगा सबसे पहले? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, जिंदा दफनाऊंगा जिंदा। चलो चलो लाइन से चलो। डायलॉग अच्छे बोल लेते हो प्रोफेसर, तुम्हारे मरने के बाद यही डायलॉग तुम्हारी कब्र पे लिखवा दूंगा। मौत के मुहाने पे खुद खड़ा है और मुझे मारने की बात करता है। अच्छा है। चला के बढ़ो, आगे बढ़ो, चला के बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ाओ, हाँ, बढ़ो आगे, हाँ, 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 बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुको, हाँ ये ले, चल उठा उठा, चल आगे बढ़ आगे बढ़, कल पर खोज चल, कबर खोज चल, कबर खोज चल, आगे बढ़ चल, चल चल खोज कबर, खोद खोद। खोद ले, ए, 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 अपनी जैकेट उतार, जैकेट उतार, तुझे ठंड में मारूंगा, जल्दी। मेरी बेइज्जती करेंगे, हीरो बनेंगे। ए, हीरो मत बन, जल्दी कर, चल जल्दी खोद, चल जल्दी खोद, नहीं तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। नहीं रुको प्रोफेसर, खोदता हूं मैं खोदता हूं, खोद चल खोद खोद जल्दी। जल्दी का जल्दी, वहीं रहो वहीं तुम।